इतना नहीं तो पवा ही लाने। बस यार चल पड़े और जयपुर शहर की तरफ चलते हैं यार, जयपुर सिटी की तरफ। शहर की शाम तो मैंने आपको पहले भी दिखाई है, लेकिन मार्केट्स वार्केट्स दिखाएंगे आपको थोड़ा सा, कि रात के टाइम पे मार्केट खुले रहते हैं नहीं खुले रहते हैं, और खुले रहते हैं तो कैसी चकाचौंध रहती है। गन्ने के रस से हो गई अपने ब्लॉग की शुरुआत, तरोताजा हो गया मन। यह आ गया चांदपोल दरवाजा, यहाँ से अपन शहर के अंदर एंटर करेंगे। गेट क्रॉस करने के साथ ही सामने अपने को दिखाया प्राचीन चांदपोल हनुमान मंदिर। ये बहुत ही फेमस मंदिर है यार चांदपोल का, हनुमान जी का। पहुंच गए हैं छोटी चौपड़, और छोटी चौपड़ से आप ये लेफ्ट में देख पा रहे हैं गणगौरी बाज़ार जा सकते हैं आप। त्रिपोलिया बाज़ार सीधा है और किशनपोल बाज़ार जा रहा है राइट हैंड साइड में। छोटी चौपड़ क्रॉस करते के साथ ही ये आ गया है सरकासूली, और सरकासूली के सामने जो है जस्ट यहाँ पे खड़े होते हैं लाला जी पताशी वाले, यहाँ अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं। और यार लाला जी पताशी जो है वो सिटी का बहुत ही फेमस पताशी वाले हैं और काफ़ी पुराने हैं। सरकासूली के सामने खड़े होते हैं और ये बड़े बड़े गोलगप्पे देते हैं, शायद मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर भी आपको दिखाया था। आज भी अभी लौटते समय अगर ये खुले हुए होंगे तो इनके यहाँ से पताशी खा करके और फिर अपन निकलेंगे। यहाँ पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट जहाँ लिखा हुआ है इसके नीचे गेट है, इस गेट के अंदर से आप होकर के सीधे गोविंद देव जी मंदिर जा सकते हैं। तो जैसे ही आप सरकासूली से आगे बढ़े तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि गोविंद देव जी जो हैं वहाँ के लिए एंटर होने का दरवाज़ा आया, उस दरवाजे के जस्ट आगे एक चौराहा है, उस चौराहे से अगर आप राइट हो जाते हैं तो राइट होते क्या है चौड़े रास्ते का बुक मार्केट आता है। उस मार्केट के अंदर जो है ना आप लोग आ करके और अपनी 10th की 12th की ये जो बुक्स वगैरह होती हैं भाई, आपकी क्लास पास हो गई उसके बाद में आपकी बुक्स वगैरह कोई काम नहीं आती हैं, तो यहाँ पे आकर के आप इनको दे सकते हैं। अगर कंडीशन जैसी भी होगी उस हिसाब से उनकी रेट लग जाएगी, और कई बार अगर कंडीशन बहुत अच्छी होती है ना तो यार अच्छे खासे भाव भी मिल जाते हैं। मैंने आपको रास्ता बता दिया, गोविंद देव जी वाला जो दरवाज़ा था वो आया था सरकासूली के जस्ट बाद में, तो फिर वहीं पे सामने चौराहे दिखेगा आपको, उस चौराहे से जैसे आप राइट होंगे राइट होते ही वो मार्केट आ जाता है जो कि बुक मार्केट है, तो वहाँ पर आप अपनी बुक्स वगैरह जो है सेकेंड हैंड सेल कर सकते हैं, और क्या है कि उससे आप अपने पैसे से जो भी अपनी पॉकेट मनी वगैरह जो निकाल सकते हैं। तो हम बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध गोलचा सिनेमा, ये गोलचा है, गोलचा में काफ़ी मूवीज़ वगैरह लगती हैं और काफ़ी पुराना सिनेमा है ये। तो गोलचा से लेफ़्ट लेते के साथ ही आपका आ जाता है बापू बाज़ार, ये बापू बाज़ार है, और बापू बाज़ार के अंदर बज रहे हैं अभी 9:15, और 9:15 भी क्या है बढ़िया भीड़ और चकाचौंध दिख रही है आपको। ये कपड़ों का मार्केट है और बहुत ही बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा आपको यहाँ पर बापू बाज़ार के अंदर। और अगर आपको जयपुरी जूतियाँ लेनी है तो मैं आपको एक दुकान दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही ट्रस्टेड और पुरानी शॉप है। ये बापू बाज़ार का जो कॉर्नर है ये वाली जो शॉप है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड और पुरानी शॉप है, तो आप जयपुरी जूतियाँ यहाँ से ले सकते हो, और इनके अलावा और भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं इनके अगल बगल में, वहाँ भी मिल जाएंगी। लेकिन ये हमारे कुछ नोन्स वगैरह की ट्रस्टेड शॉप है, तो काफ़ी सालों से लेते आए हैं जानकार वगैरह जो यूपी दिल्ली से आते हैं। जयपुरी जूतियों से लेकर के जयपुर की कुर्तियाँ वगैरह सारी चीज़ें आपको बापू बाज़ार के अंदर बढ़िया मिल जाएंगी, और काफ़ी बढ़िया मार्केट है, और यहाँ पे आप आराम से आकर के बारगेन भी कर सकते हैं। ये आ गया है जौहरी बाज़ार, और अभी बज गए हैं 9:15, और जौहरी बाज़ार के अंदर आपको ये सबसे फेमस बहुत ही पुराना लक्ष्मी मिष्ठान भंडार भी मिल जाएगा। LMB जो है यार अपनी क्वालिटी और अपनी मिठाइयाँ स्वीट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत पुराना है, दूर दूर से भी लोग है ना LMB आते हैं यार, और यहाँ की मिठाइयाँ वगैरह और ये सब है ना खूब किलो किलो भर भर के है ना पैक करवा करके लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत ही पुराना है और फेमस है क्वालिटी की वजह से। तो आज के टाइम पे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो रेटे वेटे बहुत हाई मिलेंगी, और दिन में तो क्या इतनी भीड़ मिलती है कि लाइन के अंदर नंबर भी है ना आपको देर लग जाएगी आने में। जौहरी बाज़ार मेनली फेमस है ज्वेलर्स के लिए, जौहरियों के लिए। यहाँ पे आपको बड़े बड़े ज्वेलर्स से लेकर के छोटे छोटे दुकान गद्दी वाले, दुकान गद्दी वाले मतलब गद्दी पे वो लोग बैठते हैं कि जो गढ़ाई वढ़ाई करते हैं उनको भी गद्दी कहा जाता है, कि भाई नक्काशी वगैरह करना, छोटे छोटे ज्वेलरी के अंदर गढ़ाइयाँ करना, ज्वेलरी बनाना, मतलब ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से लेकर के और ज्वेलरी बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स वगैरह और सेलर्स आपको दवा के यहाँ मिल जाएंगे। अब ये आ गया है बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ चौराहा है ये। चांदपोल से आप सीधा सीधा आते हैं तो छोटी चौपड़ के बाद में आता है बड़ी चौपड़, और फिर बड़ी चौपड़ से अगर आप राइट हो जाओगे तो राइट होकर के आपका पूरा है जौहरी बाज़ार चलेगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया जौहरियों के लिए ज्वेलर्स के लिए जो फेमस है। तो यार मैंने मेरा एक्टिवा लगा करके टुक टुक की सवारी ले ली है, कहीं कहीं इसको टुक टुक बोलते हैं, दिल्ली में मयूरी भी बोलते हैं, वैसे बेसिकली ई रिक्शा नाम है इसका। ये जो टुक टुक की सवारी है ना यार इसमें भी अलग ही मज़ा आता है। रात के बज गए 9:20 और मैं हवा महल के सामने से चक्कर काट रहा हूँ, रोड क्रॉस करके दूसरी साइड चलते हैं अपन।
यह आ गया पुलिस थाना, महिला थाना है ये। आप लोगों को जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स वगैरह दिखाए रात को शाम को, अगर आप लोग वहाँ पे नहीं जाना चाहें तो अगर आप लोग हवा महल के पास भी आ जाते हैं तो हवा महल के पास में आपको क्या है कि जयपुरी जूतियों से लेकर के और यहाँ का जो ट्रेडिशनल वियर है वो सब आप लोगों को मिल जाएगा। फिलहाल मैं हवा महल के अपोजिट साइड में वॉक कर रहा हूँ और अभी भी दुकानें जो हैं वो बढ़िया खुली हुई हैं और मेरे हिसाब से शायद ये 10:30 बजे तक खुली रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये मेन हाईवे से कनेक्ट होता हुआ मार्केट है। अंदर के मार्केट फिर भी बंद होना चालू हो गए होंगे लेकिन, और इसके बंद नहीं होने का कारण यही है कि ये हाईवे से कनेक्टेड है। तो हाईवे से कनेक्ट होने की वजह से क्या है कि पर्यटक जो हैं यहाँ पर आते रहते हैं और रात को भी यहाँ से उनका गुजरना होता है। जब रात को गुजरना होगा तो फिर क्या है कि यहाँ पर व्यापार भी रात को हो सकता है। तो ये बेसिक सी बात है कि है ना, इनको अपने आप समझ में आता है ये चीज़ कि हाँ हमें रात को भी खुला रखना ज़रूरी है। रात को मतलब दूसरे मार्केट से 1-1.5 घंटे ज़्यादा तक ये लोग आराम से खोल लेते हैं। अब ये सामने की साइड आ गया हवा महल और हवा महल के अंदर देखिए क्या बढ़िया है ना, अलग अलग तरीके की लाइटें टिमटिमा रही हैं, रात को बहुत ही खूबसूरत लगता है यार देखने में। तो अब मैं आपको क्या है हवा महल के जस्ट सामने जो मार्केट है, जो है ना शॉप्स वगैरह हैं, वो एक बार दिखा देता हूँ कि हाँ भाई आपको किस किस तरीके की यहाँ पर शॉप्स दिख जाएंगी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको जयपुरी जूतियों से लेकर के और ट्रेडिशनल वियर जो भी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी एक साथ एक ही जगह। लेकिन अगर आपको उन सब की डेप्थ के अंदर जाना है कि हाँ भाई उसके अंदर भी अपने को वैरायटी वगैरह यहाँ मिल जाएंगी, लेकिन हाँ अपने को और दूसरी दुकानें भी टटोलनी है, दूसरी शॉप्स भी देखनी है और ये देखना है कि हाँ भाई नहीं अपन दूसरी जगह भी रेट चेक करें, तो वो चीज़ क्या है प्रॉपर उन्हीं के है ना मार्केट जो है, जैसे बापू बाज़ार हो गया, जौहरी बाज़ार हो गया, वहीं पर जा कर के आपको देखनी रहेंगी। तो ये था हवा महल के सामने का एक छोटा सा मार्केट, इतना भी छोटा नहीं है, आराम से 50-100 दुकानें आपको दिख जाएंगी। और यहाँ पे एक फेमस मंदिर भी है गणेश जी का, वो भी आपको दिखा देता हूँ, बड़ी चौपड़ चौराहे के ऊपर। हाँ भाऊ जी, राधे राधे, मर गए बाप दादे, रह गए राम दादे, हो गए फिकर में आधे, अच्छा नहीं तो भवाई लादे। जो भाऊ जी ने एकदम बढ़िया चीज़ सुनाई उसको सुनकर के यार मज़ा आ गया। मतलब इसलिए मैंने कहा कि भाऊजी यार एक बार दोबारा रिपीट कर दो, आपकी चीज़ तो रिकॉर्ड करनी बनती है। ऐसे ऐसे जब लोग मिल जाते हैं ना यार मज़ा आता है। उन्होंने केजरीवाल, मोदी जी, गहलोत के बारे में बहुत कुछ कहा, अशोक गहलोत के बारे में, तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है और मैं किसी की भी ओपिनियन किसी के हिसाब से गलत नहीं बताता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी अपनी जगह पर गलत नहीं है, सभी के सभी अपनी अपनी जगह पर एकदम सही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज के ब्लॉग से मिली होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी है ना यूज़फुल लगा या फिर यहाँ तक का देखने से कुछ भी आपको एक्सपीरियंस नया मिला तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। घर आ गया हूँ यार और काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो बस यार खाना वाना खा करके और सोता हूँ। प्रभु श्री राम के भजन चल रहे थे यार, लोग हर्षोल्लास के साथ झूम रहे थे, नाच रहे थे, बड़ी आनंद ले रहे थे। मैं भी थोड़ी देर रुक गया और मैंने भी आनंद ले लिया। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक का देखा है तो लाइक करना ना भूलिएगा यार। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सभी बड़ों का हमेशा सम्मान करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैच बहुत ही रोमांचक हो रहा है यार, मैच देखे बिना कैसे सो सकता हूँ मैं।